हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। आपको आज की रेसिपी के लिए खास बात बता दूं कि हम इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा और ये बहुत इजीली और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे न्यू न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो मावे के लिए 1 किलो शक्कर ली है और 100 ग्राम पानी डाल दिया है। चाशनी गलने तक इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। वैसे तो गुलाब जामुन के लिए 1 किलो मावे के लिए 1.5 किलो शक्कर की चाशनी करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ गुलाब जामुन फीके रखने वाली हूँ इसलिए मैंने 1 किलो की चाशनी बनाई है। शक्कर अब गल गई है लेकिन कुछ गंदी सी दिख रही है, तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध डालकर कुछ उबाल आने दूंगी तो इसमें से मैल किनारों पर आ जाएगा। इसे अब 1 चम्मच या जारे की मदद से 1 बर्तन में निकाल लेंगे। अब 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। यह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही आप डालें। अब चाशनी चेक कर लेते हैं। हमें इसमें कोई तार नहीं लेना है, बस थोड़ी चिपचिपी लगनी चाहिए। शक्कर गलने के बाद चाशनी 1-2 मिनट और उबल चुकी है तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। मैंने 1 किलो मावा लिया है। मावा पहले हाथ से मसल कर देखेंगे, अगर मावा कहीं पर हार्ड है तो हम हथेली से रगड़कर उसे सॉफ्ट कर लेंगे। हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए गाय के दूध का ही मावा लेना चाहिए और ये मावा मैंने अपने घर पे गाय के दूध से बनाया है। अब मावा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 100 ग्राम मैदा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मैदा नहीं डालना है वरना गुलाब जामुन में मावे का टेस्ट कम आएगा और खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। आप चाहें तो इलायची पाउडर और केसर डाल सकते हैं। कुछ लोग मैदा ज़्यादा डालते हैं और फिर उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालकर बनाते हैं। हमें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम पारंपरिक तरीके से ही गुलाब जामुन बनाएंगे। अगर मावा टाइट है तो हम इसमें 1.5 चम्मच दूध डाल देंगे और अगर मावा ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा और मैदा डालकर टाइट कर लेंगे। तो अब हमारा डो तैयार हो गया है, ना ज़्यादा टाइट ना सॉफ्ट, बस रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम गुलाब जामुन तलने के लिए कढ़ाई में घी डाल देंगे और जब तक घी गर्म होगा हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। पहले हम मावे के पीस तोड़कर अलग कर लेते हैं और अपने मनपसंद साइज के बॉल्स बना लेंगे। पहले दोनों हथेलियों से दबाते हुए गोल गोल घुमाएंगे, फिर हल्के हाथों से एकदम स्मूथ, जिसमें कोई क्रैक ना हो, इस तरीके से गोल गुलाब जामुन बना लेंगे। देखिए, अब हमें सारी बॉल्स ऐसे ही बनानी है और किसी भी बॉल में क्रैक नहीं होना चाहिए। तो अब इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। अब हमारी बॉल्स रेडी हैं तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब घी गरम हो गया है, ध्यान रखिएगा कि घी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब जो गुलाब जामुन की बॉल्स हमने बना ली है एक एक करके घी में डाल देंगे, एक साथ ज़्यादा बॉल्स नहीं डालने हैं। अब कढ़ाई को हल्का हल्का घुमाकर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब गुलाब जामुन थोड़े पक जाए या रंग बदलने लगे तब हम जारे से इन्हें घुमाते हुए फ्राई करेंगे और पलटते भी रहेंगे। आप देख सकते हैं अब गुलाब जामुन धीरे धीरे पकने के बाद घी में ऊपर आते जा रहे हैं। देखिए, तो अब ये गुलाब जामुन ब्राउन कलर के हो रहे हैं। हम थोड़ा और इन्हें फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े और अच्छे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। इस तरह के गुलाब जामुन घी बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और इसमें कोई फ्लेवर ना डाले तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। गुलाब जामुन ब्राउन कलर के हो गए हैं तब हम इन्हें निकाल कर गर्म गर्म चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रहे, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गर्म ही रहनी चाहिए।
इसी तरह दूसरे गुलाब जामुन भी बारी बारी से बनाकर फ्राई करेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बने हैं। चाशनी पीने के बाद तो इनका कलर और भी अच्छा हो गया है। और अब मैं एक बाउल में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इनको आपको कट कर कर दिखा देती हूँ। देखिए अंदर तक कितने रस से भरे हुए हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।